हेलो फ्रेंड्स, द गन्नू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा या सूजी के लड्डू, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और एकदम परफेक्ट दानेदार। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। एकदम परफेक्ट बने हमारे लड्डू, आप देख सकते हैं कितने अंदर से भी एकदम दानेदार, बिल्कुल बढ़िया। आप इसे जरूर ट्राई करें। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम सूजी, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मेरी ये बारीक वाली है। अब मैंने यहाँ पे लिया कढ़ाई, अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच देसी घी। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 चम्मच देसी घी। अब घी को हम थोड़ा मेल्ट करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया कुछ ड्राई फ्रूट, जैसे मैंने काजू लिए, किशमिश, बादाम। अब इन सभी को मैं साबुत ही रोस्ट कर लूंगी, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब घी भी हमारा अच्छा मेल्ट हो गया है, तो पहले मैं अपने बादाम अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। बादाम हमारे अच्छे क्रंची हो गए, अब इन्हें मैं निकाल लूंगी। काजू इसमें डालूंगी और इन्हें भी हल्का गोल्डन करूंगी, ज्यादा डार्क हमें नहीं करने। काजू भी हमारे अच्छे रोस्ट हो गए, अब इन्हें भी निकाल लूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं किशमिश। ध्यान रहे किशमिश बहुत जल्दी हो जाती है, फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें और इन्हें फटाफट से निकाल लें। अब 2 चम्मच हमारे घी वाला घी था और 1 चम्मच मैं ये डाल रही हूँ, टोटल हमारा हो गया 3 चम्मच घी। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये सूजी। फ्लेम को रखेंगे हम बिल्कुल मीडियम और इससे हम अच्छा भून लेंगे। ध्यान रहे हमें बिल्कुल कलर इसका चेंज नहीं करना, बस इसे एक अच्छी खुशबू आने तक इसे रोस्ट करेंगे और इसे लगातार हिलाते हुए हमें रोस्ट करना है। फ्लेम को आप लो ही रखें, जब ये धीमे गैस पे भुनेगी ना तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब सूजी हमारी अच्छी रोस्ट हो रही है, इसमें से एक अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और इसके दाने भी एकदम अलग अलग हो गए हैं, एकदम बढ़िया। अब इसमें डालूंगी मैं कोकोनट पाउडर 3 चम्मच, अगर आप लाइक करते हैं तो डालें वरना इसे स्किप कर दें। मैंने यहाँ कोकोनट को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, अब इसे भी मैं इसके साथ भून लूंगी। ध्यान रहे हमें इसे सूजी भूनने के बाद ही डालना है, साथ साथ भी डालना है वरना हमारा कोकोनट जल्दी हो जाता है तो ये जल जाएगा, थोड़ा ही जल्दी भून जाता है। अब इसे भी भून लेंगे। अब सूजी और कोकोनट हमारा अच्छे से भून गया, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया, एकदम दाना दाना खिल गया सूजी का भी। अब यहाँ मैं डालूंगी चीनी, यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, वजन से बोलूँ तो 200 ग्राम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं चीनी को, अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 250 ग्राम सूजी ली तो आप पूरे 250 ग्राम ही चीनी डाल दें, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 150 ग्राम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 ग्राम डाल रही हूँ वजन से। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, अब चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं और इसे थोड़ा हिलाएंगे, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 बड़े चम्मच दूध और इसे मिला लूंगी। आप यहाँ पे बूरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीका बता रही हूँ, आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप बूरा भी ले सकते हैं, इसको पीस के आप बूरा बना लें और इसे अच्छे से मिला लें। इसे मैंने इसे मिला लिया है। अब मैंने यहाँ पे पूरी कटोरी दूध लिया था, अब मैं बाकी दूध भी इसमें ऐड कर दूंगी। ध्यान रहे ज्यादा दूध हमें बिल्कुल नहीं डालना इसमें। और इसे लगातार हिलाना है। अब चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है,
अब इसमें डाल दूंगी मैं ड्राई फ्रूट और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब मिक्स हमारा बिल्कुल एकदम तैयार है। अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर इसके लड्डू बांधेंगे। अब ड्राई फ्रूट भी मैंने अच्छे से मिला लिए एकदम बढ़िया, आप देख सकते हैं इसके लड्डू भी अच्छे से बनेंगे। अब थोड़ा गर्म है ये, गैस को कर देंगे हम बंद और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। मिक्स हमारा ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं ज्यादा ठंडा भी हमें नहीं करना, इसे हम निकाल लेंगे थाली में। अब मैंने यहाँ पे लिए इलायची जो मैंने दरदरी कर ली है, इसमें डाल के मैं अच्छे से मिला लूंगी। और इनके लड्डू बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। हम इसके लड्डू बांध लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार हमारे लड्डू बने हैं, परफेक्ट। सभी को मैं इस तरीके से बांध लूंगी। अगर लड्डू बनाते समय आपको मिक्स थोड़ा सा सूखा सूखा सा लगे, जैसे एंड में जब आप आओगे तो थोड़ा सूखा सूखा सा हो जाएगा ये, तो आप उसमें 2-3 चम्मच दूध डाल सकते हैं, जितना आपको डालना हो। जैसे 1 चम्मच डाल रहा है तो 1, 2 डालना है तो 2। इस तरीके से मैं बांध लूंगी सभी लड्डू। साइज आप जो भी तो आपको पसंद हो, अगर आपके बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो लड्डू थोड़े छोटे ही बनाए। मैंने सभी लड्डू बना लिए। मुझे यहाँ रोड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी क्योंकि मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी बनाए। अगर आप थोड़ा स्लो स्पीड में बनाओगे तो आपको शायद दूध की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये सूजी है, दूध जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए सूखी सूखी हो जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हमारे लड्डू और एकदम दानेदार। इसे बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात तो ये कि आपको सूजी जब आप भूनेंगे तो इसे लगातार हिलाना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, हो सके तो आप इसे लो भी कर दें बीच बीच में। और दूसरी बात ये कि जब आपका मिक्स ठंडा करें तो उसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना बिल्कुल भी, और फटाफट से हमें लड्डू बनाने हैं, बिल्कुल भी उसे ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारा जो मिक्स है वो थोड़ा सूखा सूखा सा हो जाएगा। अगर ज़्यादा सूखा सूखा हो गया आपका मिक्स तो आप इसमें 2-3 टेबल स्पून दूध डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।